इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे थ्रेड कैसे यूज करते हैं। हम एक M10x30 का बोल्ट एंड नट बना लेते हैं, फिर हम उसमें थ्रेड यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू पे क्लिक करें, पार्ट मॉडलिंग, ओके। हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच। पॉलीगन कमांड की मदद से सिक्स साइड का एक हेक्सागॉन ड्रॉ करेंगे। इसका डायमेंशन 17 mm, एंटर, और इसे मेक वर्टिकल कीजिए। इसमें हम फीचर्स टूल लगाएंगे, तो फीचर्स पे क्लिक करें, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसे मिड प्लेन से एक्सट्रूड करेंगे, और इसका थिकनेस 7 mm, एंटर, ओके कीजिए। अब हम इसके एज पे चैम्फर लगाएंगे, तो फेस सेलेक्ट कीजिए, स्केच, नॉर्मल व्यू। सर्किल कमांड की मदद से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस सर्किल और शिफ्ट के साथ इस एज के बीच का रिलेशन टेंजेंट कीजिए। फ्यूचर्स, एक्सट्रूडेड कट, डायमेंशन 7 mm, फ्लिप साइड टू कट, और ड्राफ्ट एंगल 45 डिग्री, ओके कीजिए। तो ये देखिए चैम्फर लग गया। हमें चैम्फर दोनों साइड लगाना है, तो हम इसे मिरर कर लेंगे। तो फीचर्स, मिरर में सेलेक्ट कीजिए फेस या प्लेन। तो हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे, टॉप प्लेन, और फीचर्स में कट एक्सट्रूड 1, और ओके कीजिए। तो ये देखिए दोनों साइड चैम्फर लग गया। फेस सेलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल व्यू। सर्किल कमांड की मदद से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसका डायमीटर 10 mm, एंटर। अब हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। तो फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसका थिकनेस 30 mm, एंटर, ओके कीजिए। अब हम इसमें थ्रेड यूज करेंगे। एक जरूरी बात, डायरेक्ट थ्रेड का ऑप्शन सॉलिड वर्क्स 2016 या 2016 से अपर वर्जन में दिया गया है। 2016 से पहले के वर्जन में मैनुअल तरीके से हेलिक्स एंड स्पायरल और स्वेप्ट कट से थ्रेड यूज करते थे। हमारा सॉलिड वर्क्स 2018 वर्जन है, तो इसमें डायरेक्ट थ्रेड टूल दिया गया है, तो हम इसे यूज करेंगे। तो फीचर्स पे क्लिक करें, होल्ड विजार्ड के नीचे एक एरो है, इस पे क्लिक करें और थ्रेड पे क्लिक करें। थ्रेड यूज करने के लिए हमें थ्रेड लोकेशन, एंड कंडीशन, स्पेसिफिकेशन और थ्रेड मेथड सेलेक्ट करना होगा। बट थ्रेड के लिए सबसे ज़रूरी बात, जब हम किसी सिलेंड्रिकल शाफ्ट या रॉड के बाहरी और थ्रेड काटते हैं, तो उस प्रोसेस को डाइंग कहते हैं। और जब किसी सिलेंड्रिकल होल के अंदर की तरफ थ्रेड काटी जाती है, तो उस प्रोसेस को टेपिंग कहते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। हम थ्रेड लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, तो हम इस एज को सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। एंड कंडीशन में तीन टूल दिया गया है, ब्लाइंड, रिवॉल्यूशन, अप टू सिलेक्शन। ब्लाइंड में आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायमेंशन इनपुट करते हैं,
और अप टू सिलेक्शन में एक दूसरा फेस सेलेक्ट करना होता है जहाँ तक आप थ्रेड चाहते हैं। तो हम अप टू सिलेक्शन में ये फेस सेलेक्ट करेंगे। हमारा ये सिलेंड्रिकल शाफ्ट है तो हम यहाँ पे डाई प्रोसेस यूज करेंगे। स्पेसिफिकेशन में इंच डाई और मैट्रिक डाई दिया गया है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करें। हम यहाँ पे मैट्रिक डाई सेलेक्ट करेंगे और साइज M10 × 1.5 पिच। नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। थ्रेड मेथड में दो टाइप दिया गया है, कट थ्रेड और एक्सट्रूड थ्रेड। तो हम कट थ्रेड यूज करेंगे और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए और थ्रेड ऑप्शन में राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो हम राइट हैंड थ्रेड यूज करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए हमारा M10 का बोल्ट बनके तैयार हो गया। ये एज पे थ्रेड और लग रहा है तो हम इसे अपसेट कर लेंगे। तो थ्रेड वन पे राइट क्लिक करें और एडिट फ्यूचर, यहाँ पे अपसेट वाले बॉक्स में क्लिक करें और इसे 2 mm एंटर और इसे रिवर्स डायरेक्शन कीजिए और ओके कीजिए। अब देखिए ये परफेक्ट है। इसे सेव कर लेंगे तो सेव पे क्लिक करें, डी और इसका फाइल नेम M10 × 30 बोल्ट सेव कीजिए। ऑलरेडी ये नेम हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें इसे चेंज करना होगा, तो हम बोल्ट 2 कर देंगे। सेव कीजिए। अब हम M10 का नट बना लेते हैं, तो न्यू पे क्लिक करें, पार्ट मॉडलिंग ओके। हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच। पॉलीगॉन कमांड की मदद से एक 6 साइड का हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। इसका डायमेंशन 17 mm एंटर और इसे मेक वर्टिकल कीजिए। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसे मिड प्लेन से एक्सट्रूड करेंगे और इसका थिकनेस 8 mm एंटर ओके कीजिए। अब हम इसमें चैम्फर लगाएंगे, तो फेस सेलेक्ट कीजिए, स्केच नॉर्मल व्यू। हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, इस सर्किल और शिफ्ट के साथ इस एज के बीच का रिलेशन मेक टेंजेंट कीजिए। फ्यूचर्स एक्सट्रूडेड कट 8 mm फ्लिप साइड टू कट और ड्राफ्ट एंगल 45 डिग्री ओके। तो ये देखिए चैम्फर लग गया। दूसरे साइड भी चैम्फर लगाएंगे तो इसे मिरर कर लेंगे। तो फीचर्स मिरर में सेलेक्ट कीजिए फेस या प्लेन, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे और फीचर्स में कट एक्सट्रूड 1 और ओके कीजिए। तो ये देखिए दोनों साइड चैम्फर लग गया। फेस सेलेक्ट कीजिए, स्केच नॉर्मल व्यू। सर्किल कमांड की मदद से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर 10 mm एंटर। फ्यूचर्स एक्सट्रूडेड कट और इसे थ्रो ऑल कीजिए ओके। अब हम इसमें थ्रेड यूज करेंगे, तो फीचर्स पे क्लिक करें, होल्ड विजार्ड के नीचे एक एरो है इस पर क्लिक करें और थ्रेड पे क्लिक करें।
यहाँ पे सिलेंड्रिकल होल है तो हमें टैप यूज करना होगा। थ्रेड लोकेशन में सेलेक्ट कीजिए इस एज को और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। एंड कंडीशन में अप टू सिलेक्शन में सेलेक्ट कीजिए ये फेस और टाइप में मैट्रिक टैप यूज कीजिए और साइज M10 × 1.5 mm पिच। नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। थ्रेड मेथड में कट थ्रेड रखेंगे और थ्रेड ऑप्शन में राइट हैंड थ्रेड रखेंगे। ओके कीजिए। तो ये देखिए अंदर की तरफ थ्रेड कट गया। ये था थ्रेड टूल। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।